हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 6 ऐसा रीजन जानने वाले हैं जिसके वजह से एक मौली फिश जो होती है वो बर्थ नहीं देती है। मौली फिश बर्थ देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। बहुत लोग आप लोग इस टाइप का कमेंट्स आता है कि मेरी मौली फिश जो 2 महीने 3 महीने से बर्थ नहीं दे रही है, क्या रीज़न है, या फिर मेरी जो मौली फिश है वो बर्थ देने से पहले क्यों मर गए। तो ये सारे चीज़ के बारे में आज के वीडियो हम लोग कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मिलने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला और सबसे मेन रीज़न के बारे में जिसके वजह से हमारी जो फिश वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाती है बर्थ देने में, वो है लो टेम्परेचर। आपको सबसे पहले अपने टैंक का टेम्परेचर को एग्जामिन करना है, उसके लिए आपको एक थर्मोमीटर चाहिए होगा। थर्मोमीटर आपको टैंक का रीडिंग बताएगा कि आपको जो पानी का टेम्परेचर है वो कितना है। और अगर आपका पानी का टेम्परेचर 26 से अगर नीचे रहता है तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी फिशेज का बर्थ ना देने का। तो ये आपको सबसे पहले एग्जामिन करना है थर्मोमीटर लगा के। अगर आपका पानी का टेम्परेचर 26 से कम है तो साथ ही साथ अपने टैंक में एक हीटर लगाइए और उस हीटर में सेट कर दीजिए 28 या फिर 29 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर में फिशेज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहती है, फिशेज का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इस टेम्परेचर में फिशेज जो कुछ भी खाती है वो सही से डाइजेस्ट कर पाती है और इस टेम्परेचर में ही मेनली जो भी फिशेज आपकी है वो बहुत अच्छे तरीके से बर्थ देती है। इसलिए सबसे पहले आपको एग्जामिन करना है पानी का टेम्परेचर कितना है, और अगर आपका पानी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम रहता है तो आपको अपने टैंक में एक हीटर इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप अपने टैंक में एक हीटर लगाइएगा तो देखिएगा फिश को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे, और मे भी हो सकता है वो हीटर लगाने के बाद पानी का टेम्परेचर रेज होने के बाद वो बहुत ही जल्द बर्थ दे दे। सेकेंड नंबर पे आता है स्मॉल टैंक। अगर आप अपनी फिशेस को बहुत ही ज़्यादा छोटे स्पेस में रखे, कोई छोटे जग में रखे, छोटे बकेट में रखे हैं, तो मे भी हो सकता है ये भी बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है उसका बर्थ ना देने का। तो इसलिए आप हमेशा मेक श्योर कीजिएगा आपकी जो भी फिश बर्थ देने वाली है उसको आप एक बिग टैंक या फिर एक बिग प्लेस में उसको आप शिफ्ट कीजिए, जहाँ पर वो इजीली अपने आप को चारों तरफ स्विम करे। जितना ज़्यादा वो स्विम करेगी, जितना ज़्यादा उसको स्पेस आप बढ़ा दीजिएगा, उतना ही उसका जो स्ट्रेस है वो कम रहेगा। और जब वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा उसको जगह दीजिएगा तो आप देखिएगा डेफिनेटली उसका जब स्ट्रेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ही सारा फ्राइज को बर्थ देगी। इसलिए ये सारे फिशेस के ऊपर में बिग स्पेस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई छोटे से जग में रखिएगा, कोई छोटे से बकेट में रखिएगा, तो आप देखिएगा वो हमेशा ये डरी भी रहेगी और ये भी एक चांसेस हो सकता है वो उस बकेट के बाहर में जंप करने का कोशिश करे, क्योंकि वो जगह उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस भरा लग रहा है, उसको वो जगह एकदम ही पसंद नहीं आ रहा। तो ऐसे टाइम पे ये सारी फिशेस क्या करती है, उस बकेट के या जग के बाहर में जंप करने का कोशिश करेगी। इसलिए कभी भी ये सारी फिशेज को एक छोटे से कंटेनर में मत रखिएगा। थर्ड नंबर पे आता है बैड वाटर क्वालिटी। बहुत लोग क्या करते हैं, पानी वगैरह चेंज नहीं करते, या फिर पानी का क्वालिटी अगर बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, उसमें अमोनिया नाइट्रेट बहुत ही ज़्यादा अगर बिल्ड हो जाता है, तो इससे भी आपकी जो भी फिश है वो बर्थ देने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएंगे। पानी फ्रेश होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पानी आपका फ्रेश नहीं रहेगा तो इससे भी वो जो भी फिश है वो बीमार पड़ सकती है या फिर बहुत ही ज़्यादा डिले कर सकती है बर्थ देने में। इसलिए पानी का भी क्वालिटी का आपको खास ध्यान रखना है। उस टाइम पे मेनली आपको मिनिमम 10-15% पानी वीकली चेंज करना है, और मंथ में एक बार ग्रेवल्स के नीचे में जितना भी डर्ट वगैरह वो सारे को क्लियर करना है। ग्रेवल्स के नीचे में डर्ट क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सारा डर्ट जो भी आपका ग्रेवल्स के नीचे में फंसा है, वही डर्ट सब पानी का क्वालिटी को खराब करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए वो सारा डर्ट को रेगुलरली क्लीन करना, मंथ में एक बार क्लीन करना इनफ है। इससे आपका जो पानी है वो भी फ्रेश रहेगा और आपकी जो फिशेज वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेगी। और अगर आपकी फिशेज हैप्पी रहेगी तो डेफिनेटली बर्थ देने में भी वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। फोर्थ नंबर पे आता है बैड टैंक मेट्स। अगर आप अपने टैंक में बहुत सारी दूसरी अग्रेसिव फिशेज डाल दिए, जैसे कि टेट्रा स्पीसीज की कोई फिशेज, या फिर बाब स्पीसीज की कोई फिशेज, या फिर बहुत सारा मेल फिशेस वही स्पीसीज का, जैसे कि अगर गप्पी फिश है तो गप्पी फिशेस का बहुत सारा मेल, या फिर मौली फिशेस है तो मौली फिशेस का अगर बहुत सारा मेल आप डाल दिए, तो इसमें भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वो मेल जो फिशेस होती है वो फीमेल को बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगी। इससे भी हो सकता है वो बर्थ देने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाए। तो मेक श्योर कर लीजिएगा जो भी टैंक है उसका जो टैंक मेट्स है वो आपकी फिशेस को बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा हो। ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फिश अपने टैंक में डाल के रखिएगा तो इससे भी
वो जो भी फिश है उसका स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेगी बर्थ देने में। इसलिए टैंक मेट्स का भी खास ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेस्ट तो वही होता है, जो भी फिश आपकी बर्थ देने वाली है उसको आप कहीं दूसरी जगह में आइसोलेट कर लीजिए, ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस लगा दीजिए जिससे कि बर्थ के बाद में वो सारी बेबीज है वो सारे हाइडिंग प्लेसेस में छिप पाए। फिफ्थ नंबर पे आता है हाई फिश स्ट्रेस। अगर आपकी फिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, तब भी वो बर्थ देने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएगी। अगर वो स्ट्रेस में होती है तब वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है वो टैंक के बाहर में जंप करने का। इसलिए कभी भी अपने टैंक में अगर ये सारे फिशेज रखे हैं तो ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस लगा के रखें जिससे कि उसका स्ट्रेस कम रहे। अगर आपके टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होगा, वो सारे हाइडिंग प्लेसेस में अगर वो जाके छुपेगी तो इससे ऑटोमेटिकली उसका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप एकदम खाली एक टैंक रखिए, उसमें एक मौली फिश या फिर गप्पी फिश अगर डाल के रख देंगे तो इससे ऑटोमेटिकली वो जो फिश है उसका स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फील करेगी और वो जब अनसेफ फील करेगी तो वो बर्थ देने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएगी। इसलिए मेक श्योर कर लीजिएगा जहाँ पर भी आप रखे हो वहाँ पर ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट से भी वो लोग का स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा रेज हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट मत रखिएगा, ये सारी चीज़ से भी उसको बर्थ देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और फिफ्थ नंबर पे आता है आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है और वेट करना है, क्योंकि ये सारे साइकिल में अपना एक टाइम होता है, ये टाइम पीरियड जैसे ही कंप्लीट होगा तभी आपकी जो भी फिशेज है वो बहुत सारा बर्थ देगी। लेकिन अगर आप उससे पहले से ही अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगेगा, बहुत सारा लोग क्या करते हैं बहुत सारा वीडियोज़ बना के मुझे भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इंस्टाग्राम ग्रुप पे, ये सारा चीज़ एकदम ही गलत है। क्योंकि अगर आप वो सारी फिशेज को हाथ में उठा के वीडियो वगैरह बनाइएगा तो इससे ऑटोमेटिकली वो फिश का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको बर्थ देने का भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। या फिर वो ये भी कर सकती है बर्थ के बाद में अपने फ्राइज को खा ले बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेस होने की वजह से। इसलिए ये सारा चीज़ मत कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने फिशेज को टाइम देना है। जैसे ही बेबीज वगैरह रेडी हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा बहुत ही सारा फ्राइज को बर्थ देगी। सो फ्रेंड्स, यही था 6 इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको आपको सही से फॉलो करना है। अगर आप ये 6 पॉइंट्स को अगर सही से फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आपकी भी जो भी फिशेज है वो बहुत ही जल्द बहुत ही सारा फ्राइज को बर्थ देगी। अगर ये सारे टॉपिक के ऊपर मैं आपको और भी डिटेल्स में वीडियो चाहिए, जैसे कि मौली फिश का टेक केयर कैसे कर सकते हैं, प्रेग्नेंट मौली फिश का कैसे टेक केयर कर सकते हैं, कैसे फ्राइज का टेक केयर कर सकते हैं, गप्पी फिश का कैसे हम लोग जान सकते हैं वो कब बर्थ देने वाली है, बहुत सारा फिशेज मेरा पहले से मौली फिशेज गप्पी फिशेज के बारे में, तो वो सारा वीडियोज़ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पर जाके भी चेक कर सकते हैं। वो सारा वीडियोज़ भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, इसलिए वो सारा वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर से देखिएगा। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्दी मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।